किसी ने क्या खूब कहा है, हमारी जीवन यात्रा में धैर्य हमारा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि यदि हमारे पास धैर्य है तो वो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम देखेंगे कि अगर धैर्य और प्रेम बनाए रखा जाए तो जीवन सुखमय हो जाता है, कोई गलतियां नहीं होती हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। कहानी की कुछ यूं है कि मेरे आगे वाली कार कछुए की तरह चल रही थी और मेरे बार बार हॉर्न देने पर भी रास्ता नहीं दे रही थी। मैं अपना आपा खोकर चीखने ही वाला था कि मैंने कार के पीछे लगा एक छोटा सा स्टिकर देखा जिस पर लिखा था, शारीरिक विकलांग हूं, कृपया धैर्य रखें। और यह पढ़ते ही जैसे सब कुछ बदल गया। मैं तुरंत ही शांत हो गया और कार को धीमा कर लिया, यहां तक कि मैं उस कार और उसके ड्राइवर का विशेष ख्याल रखते हुए चलने लगा कि कहीं उसे कोई तकलीफ ना हो। मैं ऑफिस कुछ मिनट देर से जरूर पहुंचा, मगर मन में एक संतोष था। इस घटना ने दिमाग को हिला दिया। क्या मुझे हर बार शांत करने और धैर्य रखने के लिए किसी स्टिकर की ही जरूरत पड़ेगी? हमें लोगों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करने के लिए हर बार किसी स्टिकर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या हम लोगों से धैर्यपूर्वक अच्छा व्यवहार सिर्फ तभी करेंगे जब वे अपने माथे पर कुछ ऐसे स्टिकर चिपकाए घूम रहे होंगे कि मेरी नौकरी छूट गई है, मैं कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं, मेरी शादी टूट गई है, मैं भावनात्मक रूप से टूट गया हूं, मुझे प्यार में धोखा मिला है, मेरे प्यारे दोस्त की अचानक ही मौत हो गई है, लगता है इस दुनिया को मेरी जरूरत ही नहीं, मुझे व्यापार में बहुत घाटा हो गया है, आदि आदि। हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी जंग लड़ रहा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। बस हम यही कर सकते हैं कि लोगों से धैर्य और प्रेम से बात करें। दोस्तों, धैर्य और प्रेम जीवन का बहुत बड़ा हथियार है। इसको अपने पास रखकर आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यह छोटी सी स्टोरी हमें यह सिखाती है कि सामने वाला किस परिस्थिति में है ये हमें नहीं पता है, उसके अंदर क्या चल रहा है ये भी हमें नहीं पता है, इसलिए उसे धैर्य से बनाए, धैर्य अपने अंदर बनाए रखें और धैर्य से ही उससे बात करें, प्रेम से बात करें। और इसे बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। आल वाला।